गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू लाइफ। आई होप आप सबका दिन अच्छा जाएगा। दूसरे घर पे जाना है क्योंकि मैं आज दलित हो गया था, रात को भी बहुत थका हुआ था। लेट्स स्टार्ट द डे। सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप मेरी मॉम ने आपको इंस्पिरेशन दी आज सुबह सुबह। गाइस, फेसबुक ने मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाट द फक इज़ रॉन्ग विद फेसबुक। तो अब ये मुझे अपलोड बोल रहे हैं, अपलोड करो अपना आईडी और प्रूफ करो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। बट स्टार्ट टू द डे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू विन। वो खिलाड़ी जो दोस्तों हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। डोंट गिव अप, अपना 100% दो, एंड में नहीं होता कोई बात नहीं। जो इवेंट पे चलेगी एज एडवर्टाइजमेंट, जो मेन एलिमेंट्स हैं पीपीटी के, जैसे हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, व्हाट वी डू, तो ये चीज हम ला सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा अजीब लगा मुझे, काफी दिख रही है मुझे स्क्रीन, मत खोल इसे। तो अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। अब यार ये एसी से बाहर आया ना, इसलिए ऐसा हो गया है। सॉरी, बहुत गर्मी है दिल्ली में, फिर से धूप आ गई है। जो दिल्ली में गलत सीन चल जाते हैं वो स्टार्ट हो गए फिर से, तभी मैंने शेड्स भी लगा रखे हैं। लुक, इट्स क्रेजी ब्राइट आउटसाइड इन दिल्ली। मैं घर जा रहा हूँ कुछ छोटा सा खाने के लिए, एंड देन आई विल बी बैक। फिर हमें फिर से काम करना है, बैक इन द गेम। खाना खा लिया है मैंने। जो डेली व्लॉगर्स हैं, जो व्लॉग कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा डेली व्लॉग है जिसके अंदर मैं बीच में हाँ कहीं पर ट्रैवल कर लेता हूँ, और हाँ आई प्रॉमिस मैं करूँगा। बाकी तो दिन भर क्या है मेरा, लाइक सुबह कल बारिश हो गई थी, अब आज सुबह क्या, तो काम ही है। दिन बोरिंग हो, दिन अच्छा हो, दिन बेकार हो, दिन बहुत सही हो, इररिस्पेक्टिव व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। व्लॉगिंग करो। ये उसका वायर है और उसका ऑक्स वायर है। ऑक्स की तो जरूरत नहीं है ना, जरूरत है। हाँ जी, खाना नहीं, आपको आपको एंजॉय। ठीक है भाई। मेरी मॉम बहुत सही ड्राइव करती हैं और बहुत तेज ड्राइव करती हैं। काफ़ी लोग बोल चुके हैं इस एरिया में, वुमेन ड्राइविंग कर रहा, तो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, अरे दो बज रहे हैं, और हम काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो गुड न्यूज़ यार, एसी से बाहर आके ना, ये बार बार आज बहुत तगड़ी गर्मी है, बट उस गर्मी के साथ साथ हमने काफ़ी गर्मी ली है अपना काम को अच्छा करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं इसका कितना परफॉर्मेंस आता है। इसी शीट के अंदर रिलैक्स, आराम से बैठ के रिलैक्स होकर किससे ही बात करो, आराम से बात करो, मतलब विच इज़ लाइक ऑब्वियस। तो हमारा वर्किंग टाइम 7 बजे खत्म हो जाएगा, ताकि हम बर्नआउट ना करें। ट्राई करेंगे पूरा, हमें फोड़ना है, हमें खत्म करना है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। हमारे टारगेट हाई सेट है, मोदी जी भी हाई सेट करते हैं, दैट इज द गेम। रुक जा, देख मैंने यही करा है। ये देख रहा है मेरा कैमरा, देख इसमें यहाँ पे रिग लगी हुई है। हाँ, 6,000 की आ रही है, 4,000 की एक आ रही है। ये मेरी रिग लगभग आई थी, लगभग 15,000 की एक रिग मेरी। 15,000 की रिग भाई, पैसे ही नहीं है तेरे, तो पैसे ही नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर से वही स्ट्रेटजी यूज करो। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अपा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बस एक बार, उसके बाद नहीं। विप्रो और टाई दिस थिंग, तो मैं भी जैसे हार्ड ड्राइव कई बार मेरे को टांगनी होती है ना, या फिर किसी, तो मैं पूरे कोई ना कोई तरीके से इसको यहाँ पे लगाऊंगा, या फिर मे बी स्टैंड में लगा दूंगा कहीं ना कहीं। जब से दिल्ली में आया है तब से ना डर लगता है बाहर देखते हुए, कितनी गर्मी है। अब फिर दिल्ली आके यू नो इट्स जस्ट सो हॉट आउटसाइड, अब एसी में बस एसी में बैठे रहो, एसी में बैठे रहो। उधर लकड़ी लगाई है, उसको धर दिया फट्टा, तो ये फिर दरवाजे तो लगाने हो आगे से, तो हम पूरा एक लगा दिया ना, क्या हो गया। मतलब तू नेहरू प्लेस गया, और नेहरू पहले तूने अपडेट करा बिग सर पे, और फिर तेरा लैपटॉप फकअप हो गया, और फिर तू वापस गया कि भाई पैसे ले लो, डाउनग्रेड कर दो उसको। अब मैं नहीं, अब मैं अपग्रेड नहीं करूंगा लाइफ भर, अब मैं जिंदगी में कभी अपग्रेड नहीं करूंगा।
तो अब जो सीन है वो चेंज हो गया है। ड्रोन, मेरी मॉम ड्रोन को ड्रोन कहती। जिम जाने का समय हो गया है और आज हम डायरेक्टली यहीं से जाएंगे। जो आंखों से दिखता है क्लियर, जो मस्त दिखता है आंखों से, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इट वॉज क्रेजी हॉट टुडे आउटसाइड, आई एम जस्ट गोना टेक अ क्विक शावर, इट्स वाज क्रेजी। घर चलते हैं, आज का काम ही समाप्त होता है। जिम के बाद तो ऐसा लगता है ऐसे अभी भी दिन स्टार्ट हुआ है। इट जस्ट ब्रिंग्स यू सो मच एनर्जी, इट्स अमेजिंग। मुझे छोड़ो मत तुम, दिल मेरा तोड़ो मत तुम, तेरे मेरे फासले मैंने कागजों पे लिखे, हम तुझसे ही ना मिले पर हर जगह तू दिखे। Every day I feel like ooh, तू मेरा बन चुका सुकून, आंसू चाहे के बुला। ये कौन सी मूवी थी उसका सीन हो रहा है क्या भाई? कितने लोग बैठेंगे इस गाड़ी में एक बार में? पाचन शक्ति आपको अपनी मजबूत करनी है। कैसी आपकी पाचन शक्ति, कमेंट करें। ये देखो भाई, यहाँ बन रहा है बेसन का चीला। और भाई जी यहाँ पर फुल पावर स्वाइपिंग चल रही है, फुल पावर। टॉयलेट में उड़द दाल मेरी फेवरेट है, करेला ही मुझे बहुत पसंद है। करेला थोड़ा कड़वा है, तब भी लोगों को पसंद आता है, मुझे पसंद आता है। नहीं क्या रीज़न है उसका? अंदर से जूसी है, बाहर से थोड़ा सा हल्का सा कड़वा है, जो कि करेला होता है थोड़ा सा। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ना करेला। पहले हमने करेले को अटैक करा है, अभी हम उड़द दाल को अटैक करने वाले हैं। कैसे, इट्स टाइम टू स्लीप, गुड नाइट। अभी तुझे फुर्सत नहीं है, कैसे तुझे तेरे हाल पे छोड़ू, मेरे दिल में जो थोड़ी जगह दी उसे इतना ना कब्जे में कर तू। हाय मैं अब हो गई पागल, तूने आशिकी मान ली कागज, मुझे इतना बता दे तो चैन से झीलू के तू मेरा है भी या नहीं, तू मेरा है।